जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आज दूसरे दिन का मुकाबला खेला गया, तो उस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर कौन से वो 13 बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों आप भी पहला वाला रिकॉर्ड जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि अजिंक्य रहाणे की शानदार बल्लेबाजी देखने के बाद विराट कोहली ने की अजिंक्य रहाणे की जमकर तारीफ, कहा कुछ ऐसा, जीत लिया करोड़ों देशवासियों का दिल। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बात करेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, आज दूसरे दिन शुभमन गिल और पैट कमिंग्स के बीच में हुई जबरदस्त बहस, फिर पैट कमिंग्स के ओवर में लगातार चौके ठोक कर दिया कुछ ऐसा जवाब की देखती रह गई पूरी दुनिया। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन पूरी तरीके से भारत के कारावाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के नाम रहा, जहां पर अजिंक्य रहाणे आज टीम इंडिया के संकट मोचक के रूप में उभरे और बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले ही रोके जाने के समय अजिंक्य रहाणे 104 रन पर नाबाद रहे। तो हम आपको बताएं कि अजिंक्य रहाणे की यह शतकीय पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास में किस रूप में दर्ज होगी, यह तो मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम के लिए मुसीबत के समय पर यह शतक ठोककर यह बता दिया कि आखिरकार वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनने लायक है या फिर नहीं। तो ही दोस्तों हम आपको बताएं कि आज भारतीय बल्लेबाजी काफी ज्यादा शानदार रही, जहां पर शुभमन गिल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने भी कमाल कर दिखाया। और ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते आज भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही दिन में 13 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको सभी रिकॉर्डों के बारे में बताते चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप भी पहला वाला रिकॉर्ड जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं सभी रिकॉर्डों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 13वां सबसे बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती दो टेस्ट मैचों में बढ़त ले ली हो। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 1985 और 86 में भारत ने एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बढ़त ली थी और उसने ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 381 रनों के जवाब में 520 रन बनाए थे। तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 262 के स्कोर के जवाब में 445 रन बनाए, हालांकि दोनों मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। लेकिन दोस्तों एक ये बड़ा रिकॉर्ड आज अजिंक्य रहाणे की वजह से भारतीय टीम लगभग 30 साल बाद कायम कर पाई है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए 12वें रिकॉर्ड के बारे में, जो 12वां बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि 2016 के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के आंकड़े अब बेन स्टॉक्स से भी बेहतर हो चुके हैं। जहां दोस्तों आज शानदार बल्लेबाजी कर रविंद्र जडेजा ने 2016 से टॉप पर चल रहे ऑलराउंडर की लिस्ट में बेन स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 40.29 की औसत से रन बनाए हैं, जबकि 29.97 की शानदार औसत से उन्होंने गेंदबाजी करी, जिसके चलते रविंद्र जडेजा ने बेन स्टॉक्स को इस मामले में पीछे कर दिया और वो अब विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में एक शुमार हो गए हैं। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए 11वें बड़े रिकॉर्ड के बारे में, जो 11वां बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत ने 29 रन की पारी में एक बड़ा इतिहास रचकर सबको दंग कर दिया। जी हां, आज ऋषभ पंत ने अपना 25वां रन बनाते ही वो उन टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पारियों में हर पारी का व्यक्तिगत स्कोर 25 या फिर उससे अधिक बनाया था। तो वहीं पंत के अलावा इस सूची में वॉली हैमंड और वीवी रिचर्ड्स हैं, तो जिसके चलते दोस्तों यहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी 25 से ज्यादा रन का व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं बना पाया। लेकिन ऋषभ पंत ने आज के टेस्ट मुकाबले में 25 रन बनाते से ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में बतौर टेस्ट कप्तान शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में अब अजिंक्य रहाणे का भी नाम शामिल हो गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट में यहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन है, फिर सचिन तेंदुलकर का नाम है, फिर सौरव गांगुली है और वहीं अंत में आप जैसे कि देख पा रहे हो अजिंक्य रहाणे का नाम आ गया है। तो वहीं बात करें अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये टूटा कि रहाणे से पहले विजिटर टेस्ट कप्तान के तौर पर बॉक्सिंग डे टेस्ट में यूसुफ योहाना, सचिन तेंदुलकर और एलेक स्टीवर्ट ने एक एक शतक लगाया था और रहाणे से पहले आखिरी बार ये कमाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के
पहले पूर्व कप्तान योहाना ने साल 2004 में किया था और इसके बाद विजिटर कप्तान के तौर पर आज अजिंक्य रहाणे ने ये उपलब्धि हासिल कर ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर रहाणे ने 16 साल बाद ये बड़ा इतिहास रचकर एक नया कारनामा कर दिखाया। तो बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये टूटा कि भारत की तरफ से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 2 शतक जड़ने वाले कप्तान अब अजिंक्य रहाणे बन गए हैं। जी हां दोस्तों, अब उनके अलावा कोई भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ये कारनामा नहीं कर पाया और जिसके चलते अजिंक्य रहाणे का नाम इस लिस्ट में भी शामिल हो गया है। तो बात करें आगे बढ़ते हुए पहले और आखिरी बड़े रिकॉर्ड के बारे में, जो दोस्तों पहला सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि अजिंक्य रहाणे ने अपने क्रिकेट करियर का 12वां शतक जड़ा और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे का नाम पहले से ही शतक की लिस्ट में शामिल था, लेकिन दोस्तों उन्होंने आज दूसरा शतक जड़ते से ही सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बड़े बड़े शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और ऐसे में भारत की तरफ से इन 4 बल्लेबाजों ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक लगाया था। लेकिन अब अजिंक्य रहाणे पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं पूरे विश्व में जिन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 2 शतक लगाकर ये बड़ा कारनामा कर दिखाया। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में सभी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर ये बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनकी बल्लेबाजी को देखते हुए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर इसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दमदार शतक ठोक डाला है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज जब मैदान पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो भारतीय टीम के शुरुआत में काफी जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे, जिसके चलते भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। लेकिन दोस्तों यहां पर अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी पारी खेलकर भारतीय टीम की लाज बचाई और भारत की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक धुआंधार शतक भी ठोक डाला। तो वहीं विराट कोहली की अनुपस्थिति में कप्तानी करने के साथ साथ 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अजिंक्य रहाणे ने आज 195 गेंदों में 11 चौकों की मदद से शतक जड़ा और ये उनके टेस्ट करियर का 12वां शतक था। तो वहीं हम आपको बताएं, अजिंक्य रहाणे जिस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उस समय कंगारू टीम के तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे और दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल आउट हो गए थे, यहां पर टूटे हैं। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सिर्फ 5 बल्लेबाजों ने ही शतक जड़ा है, उनमें से अजिंक्य रहाणे ने अपना नाम भी शामिल, जहां पर इन 4ों ही बल्लेबाजों ने एक ही शतक जड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने यही बड़े रिकॉर्ड तोड़े आज के टेस्ट मुकाबले के दौरान। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है अजिंक्य रहाणे के इन रिकॉर्डों के बारे में। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।